शुरू में मैं एक बात आपको बता दूं, मुफ्त वीजा 1800 रियाल सैलरी प्लस 300 रियाल खाने का प्लस ओवर टाइम, ठीक है, 8 घंटे ड्यूटी होगी और मुफ्त वीजा होगा, वीजा की लगवाई प्लस टिकट वगैरह का आपने खर्चा करना है और आपको ये वीजा मिल जाएगा। यानी कि 1800 रियाल सैलरी, 300 रियाल खाने का और ओवर टाइम भी मिलेगा। यार बहुत अच्छा वीजा है, जल्दी से यार इस लिंक को फॉलो करो और ये वीजा बाय करो। कहानी क्या चलती है आपको मुकम्मल स्टोरी में सबूत के साथ दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया के भाई, देखिए मैं बहुत सी वीडियो लगा चुका हूँ, अगर मैं आज की वीडियो में यार ये चीज़ क्या हाईलाइट क्या करूँगा, देखिए लाखों रुपए का नुकसान होता है परदेसी भाइयों का, आपको साथ में लाइव सबूत प्रूफ दिखा दूंगा, ठीक है। ये बैकसाइड पैस वैसे आप देख रहे हैं, आज एक नई चीज़, ये क्लीन का पीस है, ये मेरे वालद साहब लाए थे, सऊदीया से लाए थे और काफ़ी पुरानी बात है, तकरीबन आप बोल रहे हैं 15 साल पुराना है, अभी भी माशाल्लाह ठीक ठाक है। मैंने निकाला है और कल यूज़ किया हमने, बिछा कर देखा, आगे पीछे माशाल्लाह बेहतरीन चीज़ है। तो बहरहाल जी, आपको मैं हाईलाइट इस चीज़ से करूँगा, अगर देखें लाखों रुपए का नुकसान होता है, हम परदेसियों का बोल रहे हैं, हम पाकिस्तानियों का। यार मैं इसके मतलब अभी आपको साथ में सुना दूंगा, दिखा दूंगा, आप खुद ही समझ लीजिएगा, अपनी राय भी मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। होता क्या है वीज़ों के मतलब ना, मैं बहुत सी वीडियो आपके साथ लाइव शेयर कर चुका हूँ, लाइव से मुराद ये है बनीमालक में बैठकर, भवादी में बैठकर, रियाज में बैठकर, सबिया में बैठकर, तबूक में। यार मैं यकीन कीजिए अब शहर गुनाने लग जाऊंगा ना, तो जो भाई मेरे शुरू के सब्सक्राइबर हैं ना चैनल के ऊपर, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह 55,000 के करीब होने वाले हैं, तो वो जानते हैं मैंने सऊदी में कितने शहर घूमे हुए हैं, ठीक है। जिस शहर में भी जाता था उस शहर की 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 वीडियो शेयर करता था मैं, हत्ता कि अलवज शहर छोटा शहर है, वहाँ से मैंने बहुत सी वीडियो शेयर की हुई हैं, इसी चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो बात ये कर रहा था कि वीज़ों के रेट में बताता रहता था मुख्तलिफ वीडियोस में कि इस वक्त इस जगह के ऊपर एक बंदा है जी, उसके पास वीज़े हैं, साइकास आमल मदनी का वीज़ा है जी, उसके ये रेट हैं, और आमल का या साइक मोमी का, साइक शाहना का या कोई भी और महीना ले लें, उनके रेट ये हैं जी, उस हिसाब से आपको बताता रहता था मैं, भाई ये रेट हैं, ये सूरत हाल है, ये कुछ है, ये सारे मामला आपको साथ में बताता भी था, दिखाता भी था। अभी वीज़ों के नाम के ऊपर ना पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला बनाया जी, पाकिस्तान में नहीं, मैं यकीन कीजिए इस चीज़ से हैरत हुआ हूँ, सऊदीया में भी ये मसला बना। कल मुझे इन भाई साहब का नंबर भी शेयर किया गया, किन का, जिन्होंने इनको चूना लगाया, और मुझे बोला ये उनका नंबर है और बाकायदा शनाख्ती कार्ड की पिक्चर भेजी गई, और मैंने बोला जी आप इनसे बराह रास्त मिले हैं या इनको बराह रास्त सोशल मीडिया के ऊपर देखा है, जैसा कि मैं आपके साथ लाइव बैठा हुआ हूँ, तो जैसा कि आप किसी दोस्त अखबार से इस्लाम द्वारा ऐसे तो बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, ये इन्होंने मुझे शनाख्ती कार्ड की पिक्चर भेजी थी, मैंने बोला फेक बना हुआ है। तो बहरहाल जी मामला जो भी हुए, आप इनके मैसेज सुन लें पहले इन भाई साहब के, और उसके बाद आपको मैं तफसील थोड़ी समझा भी देता हूँ। मैसेज तो लंबे हैं, मैं आपको सुनाता जाऊंगा, वीडियो लंबी होती जाएगी। नंबर एक, अलहासा की बात कर रहे हैं, अलहासा में जो भाई हैं ये वो जानते हैं, अलहासा अलहफूफ एक ही चीज़ है, साथ में है जी अलयून, अगर बकेक की तरफ निकले आगे बकेक शहर है, आगे तमाम शहर है। मैंने अलहासा अलहफूफ बकेक अलयून एंड तमाम में भाई तकरीबन 1.5-2 साल काम किया हुआ है, ठीक है जी, वहाँ की वीडियो भी मैंने शेयर की हुई है इस चैनल के ऊपर, पुरानी पड़ी हुई है। अच्छा बात करके मकसद ये है कि नंबर की तरफ से लिया फेसबुक से, ना उनको मिले, ना उनकी जान, ना पहचान, ना सोशल मीडिया के ऊपर उनको देखा, बस जी ये शनाख्ती कार्ड पिक्चर भेज दी, इस चीज़ को देखते हुए मैंने उनसे वीज़ा। यार ये भाई अकेले नहीं है, मेरे पास 20 केस आते हैं पाकिस्तान में ऐसे,
मेरे पास 20 पाकिस्तानी भाई आते हैं यार वीजा को लेने, आप मैं बोलता हूँ वीजा का काम नहीं करता भाई, और मेरे पास एजेंट है यकीन कीजिए, और कन्फर्म वीजा देते हैं, गारंटी से देते हैं, लेकिन नहीं यार फिर भी क्यों, किसी के साथ कोई भी किसी किस्म की मिस्टेक हो जाए कौन जिम्मेदार है, लोग तो मुझे बोलेंगे ना। अच्छा, बात करने का मकसद ये है कि जिन्होंने फेसबुक के ऊपर इनको फॉलो किया और इनको बोल रहे थे कि 3 लाख प्लस में मैं इनको पैसे दे चुका हूँ, ठीक है जी, अभी वो मुझे कहानियां सुना रहा था, मैंने बोला अभी भी तू बोल रहे कि 3 लाख तूने दे दिया, ये बंदा तेरे से 3 लाख और लूटने वाला है। मैंने इनको पूरी स्टोरी कहानी सुनाई कैसे कैसे ऐसे ऐसे आपको कहानियां सुनाएगा, बातें सुनाएगा और आपसे 3 लाख रुपए अराउंड में और लूटेगा, उसके बाद आपका ये नंबर वगैरह ब्लॉक करेगा जो भी करेगा। तो बोलता जी अभी कुछ बन सकता है, मैंने बोला इनका नंबर भी फेंका, इनका शनाख्ती कार्ड भी फेंका, अभी क्या बन सकता है, बस आप इनको अगर तो आपने कहीं मिला हो, इनको कुछ जगह वगैरह इनकी देखी हो तो वहां पर पहुंच जाएं, ये मामला हो सकते हैं, या पाकिस्तान में आप जिस नंबर के ऊपर इनको इसी पैसा जायजकश करवाते रखे हैं उन नंबर को ट्रेस कीजिए और वहाँ पर उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, यही इसका तरीकाकार है। तो बात करने का मकसद सिर्फ ये था जी कि तमाम वो परदेसी भाई जो वीज़ा लेना चाहते हैं, और खुदा रहा ऐसा कोई भी वीज़ा मत परचेस कीजिएगा जो आपने ऑनलाइन देखा हुआ भाई मुफ्त वीज़ा, इतनी सैलरी है, इतना ये कुछ है, तो उससे भाई बाजी रखिए।